Assalamualaikum students, I'm Saba. Welcome back. मैं आपकी साइंस टीचर हूं और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 7 को रिज्यूम जो के है हीट, लाइट और साउंड के बारे में. आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं. पिछले लेक्चर में हमने बात की कि हीट क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, हीट को मेजर किस तरह करते हैं. आज हम उससे एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे और बात करेंगे कि अब लाइट क्या रोल प्ले करती है और लाइट को आप किस तरह से टैकल करते हो. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 7.2 जो के है शैडोज के बारे में. A shadow is an absence of light, hence it is always black. Basically होता क्या है, shadow जिसको आप साया भी कहते हो वो तब बनता है जब कहीं किसी जगह पर light नहीं पहुंच पाती और वहां पे आप देखते हो एक पूरा का पूरा dark figure बन जाता है. आइए further detail में पढ़ते हैं कि कैसे होता है और इसमें किस तरह से form किया जाता है इसे. Things needed for a shadow. Shadow बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है. पहली होती है एक सोर्स ऑफ लाइट, कि जहां से लाइट आ रही हो, कोई जरिया जहां से हमें लाइट या रोशनी मिल सके. दूसरी होती है बैकग्राउंड, आपको एक बैकग्राउंड चाहिए जो आपके ऑब्जेक्ट के पीछे हो. और तीसरा क्या है, ओपेक या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत है. तो दरमियान में आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक साइड पे आपको चाहिए एक सोर्स ऑफ लाइट यानी रोशनी का जरिया और दूसरी साइड पे चाहिए आपको एक बैकग्राउंड. लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट एंड अ शैडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड इट वेयर बैकग्राउंड इज अनलिट. अब फॉर एग्जाम्पल हम इस ऑब्जेक्ट को जहन में रख लेते हैं. तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके एक तरफ से लाइट आ रही है. हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से इस पर लाइट पड़ रही है. होगा क्या कि जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ऑब्वियसली जिस एरिया में ये मार्कर है उधर लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही. मार्कर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. मैं अभी आपको बताती हूँ कि ओपेक और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, बट फॉर नाउ आई एम सेइंग कि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और लाइट जो है वो इस पर हिट करती है. बट व्हाट हैपेंस, वो इससे पास थ्रू तो कर ही नहीं पाती, तो लाइट इसकी साइड्स पर स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है इसके बिल्कुल पीछे. और ऐसा तब होता है जब इसके पीछे एक बैकग्राउंड हो जिसपे रोशनी ना हो. अगर दोनों सोर्सेस से रोशनी आ रही होगी तो फिर भी इसका शैडो फॉर्म नहीं होगा. इसलिए तीनों चीजें होना जरूरी है, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट है, आपका ऑब्जेक्ट है और उसका बैकग्राउंड है. ओपेक ऑब्जेक्ट्स कॉज क्लियर शैडोज बिकॉज नो लाइट पासेस थ्रू देम. एग्जाम्पल ट्रीज. मैंने अभी अभी बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि ओपेक ट्रांसलूसेंट, जो हमने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ये क्या होता है. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं कर पाती. वो बिल्कुल अपनी जगह पे फर्म होते हैं, वो डार्क होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं यूजली और उनसे लाइट गुजर नहीं पाती बिल्कुल भी. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक क्लियर शैडो, आपका प्रॉपर शैडो बनाते हैं. जैसे कि ये है, इसके पीछे एक बिल्कुल सही प्रॉपर फुली मार्कर का एक शैडो बन जाएगा. क्यों? क्योंकि किसी भी लाइट को अपने अंदर से नहीं गुजरना देगा, सारी की सारी लाइट को इसकी साइड से स्कैटर होना पड़ेगा. आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं एक इमेज एक शैडो की जो ट्री के बिहाइंड फॉर्म हो रहा है. तो लाइट ट्री पे पड़ रही है और फिर उसके पीछे उसका शैडो बन रहा है. नीचे हम बात करें ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स दे कॉज सम लाइट टू स्कैटर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट सो दैट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन इन द शैडो. ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, उनमें से थोड़ी सी लाइट गुजर पाती है और सारी नहीं गुजर पाती. इसकी एक एग्जाम्पल है ग्रेसिंग पेपर. अगर आपने उसको देखा हो तो उसमें से थोड़ी सी लाइट गुजरती है लेकिन सारी लाइट नहीं गुजरती. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे थोड़ी लाइट गुजरे उनसे क्या होता है कि उनका एक क्लियर शैडो नहीं बन पाता. तो उनके पीछे एक शैडो तो बनता है लेकिन उसकी शेप एग्जैक्टली वो नहीं होती जो ऑब्जेक्ट की होती है. थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जहां जहां से लाइट उसको मिल रही होती है, जहां जहां से स्कैटर हो रही होती है, वैसे एक शैडो की शेप बन जाती है. तीसरी टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो यूजली शैडो फॉर्म कर ही नहीं पाते और उसकी वजह क्या है, आए पढ़ते हैं. दे डू नॉट फॉर्म शैडोज बिकॉज ऑल लाइट पासिस थ्रू देम. तो होता क्या है कि ये बिल्कुल भी शैडोज नहीं फॉर्म करते, सारी लाइट उनमें से गुजर जाती है. इसकी एक एग्जाम्पल होती है आपका ग्लास, प्योर ग्लास. अगर आप उसको देखें, सारी लाइट तो उसमें से गुजर जाएगी, वो किसी भी लाइट को रोकेगा नहीं. तो इससे क्या होगा कि जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट गुजर जाएगी फिर उसका शैडो वो पीछे नहीं फॉर्म करेगी. शैडो सिर्फ उसी फॉर्म में बनेगा जब लाइट जो है वो पास थ्रू नहीं कर पाती, या तो वो बिल्कुल ही पास थ्रू नहीं कर पाती या उसके कुछ पार्ट्स पास थ्रू नहीं कर पाते, तो फिर ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो बनता है. लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में क्योंकि सारी लाइट गुजर जाती है तो वो फिर शैडोज को फॉर्म नहीं करते. यहाँ नीचे उन्होंने हमें बताया हुआ है साइज एंड पोजिशन ऑफ शैडोज के बारे में. द साइज एंड शेप चेंज अकॉर्डिंग टू द लाइट. तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपके शैडो की साइज और शेप होती है वो एक ही नहीं रहती, वो किस तरह चेंज होती है, लाइट सोर्स के हिसाब से. आइए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चल के देखते हैं कि जो लाइट सोर्स है वो किस तरह इफेक्ट करती है साइज और शेप को. सो लेट्स रीड. इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लाइट सोर्स द शैडो इज बिगर, द
द फार्दर द ऑब्जेक्ट गोज द स्मॉलर द शैडो गेट्स। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट जितना पास होगा लाइट सोर्स के, उतना ही शैडो उसका बड़ा बनेगा, और वो जितना दूर चला जाएगा लाइट सोर्स से उतना ही उसके पीछे छोटा शैडो फॉर्म होगा। द पोजिशन ऑफ द शैडो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स। बिल्कुल जैसे साइज जो है वो लाइट सोर्स पे डिपेंडेंट है, उसी तरह आपकी शैडो की पोजिशन भी आपकी लाइट सोर्स पे ही डिपेंडेंट है। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर आपकी लाइट सोर्स जो है वो लेफ्ट पर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यूजुअली शैडो उसकी ऑब्जेक्ट की राइट साइड पे फॉर्म होगा। तो क्या हो रहा है कि आपकी लाइट सोर्स से ऑपोजिट साइड पे आपके शैडो की पोजिशन है। एंड सिमिलरली अगर आपकी जो लाइट सोर्स है वो राइट साइड पे, तो शैडो कौन सी साइड पे फॉर्म होगा? ऑन द लेफ्ट साइड। गुड। सो इफ द सन इज टू द राइट, द शैडो फॉल्स ऑन द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि बिल्कुल इसी का उल्टा भी इसी तरह से हो जाता है। तो जो अगर सूरज आपका राइट की तरफ है तो शैडो लेफ्ट पे आएगा, और अगर सूरज आपका लेफ्ट की तरफ है तो शैडो राइट पे आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका सन है वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, तो आपका सन कौन सी साइड पे है? मेरे लेफ्ट पे और आपके राइट पे, है ना। तो सन जो है अगर वो मेरे लेफ्ट पे है, ऑब्जेक्ट दरमियान में है, तो ऑब्जेक्ट का शैडो किस साइड पे फॉर्म हो रहा है? मेरे राइट पे। तो वही बात होगी कि लाइट सोर्स ने डिटरमिन किया कि शैडो की पोजिशन क्या होगी, लेफ्ट या राइट, और लाइट सोर्स ने ही डिटरमिन किया कि शैडो की साइज क्या होगा। इस तरह कि यहाँ पर अगर आपकी लाइट सोर्स जो है वो ज्यादा दूर है तो आपका शैडो छोटा है, लेकिन अगर आपकी लाइट सोर्स बिल्कुल करीब होती, जैसे एक कैंडल के साथ मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता बिल्कुल ही, तो फिर उसका शैडो बहुत ही बड़ा होता। नीचे हमने एग्जांपल दिए शैडोज की जो आपके कॉमनली सराउंडिंग्स में होते हैं, इक्लिप्सिस। आई डोंट नो आप में से कितने लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन आपने जरूर सूरज ग्रहण या ग्रहण का नाम सुना होगा। तो जो ग्रहण होता है या इक्लिप्स होता है, दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ शैडो। आइए पढ़ते हैं कि वो कैसे होता है। इक्लिप्सिस आर शैडोज, दे आर कॉज्ड व्हेन अ मून और अ प्लैनेट कम्स बिटवीन द सन एंड अनदर प्लैनेट। हमने शुरू में पढ़ा है कि शैडो तब कॉज होता है जब लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान में कोई चीज आ जाए उसको रोक दे। अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से इक्लिप्स में ये होता है कि जो शैडो होता है वो तब फॉर्म होता है जब सूरज और किसी प्लैनेट के दरमियान मून या कोई और प्लैनेट आ जाए। तो फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं और हमारी लाइट जो है वो सूरज से आ रही है, तो सूरज हमारी क्या हुई? लाइट सोर्स। अब होगा क्या कि कभी कभी मून मूव करते हुए या बाकी प्लैनेट्स अपनी मूवमेंट के दौरान या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी स्पेस में घूमने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ और सूरज के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो जो है वो लाइट को, सूरज की लाइट को अपने आप से पास थ्रू नहीं होने देगा। उसने लाइट को ब्लॉक किया और लाइट ने फिर क्या करने? उसके पीछे से स्कैटर हो जाने, और जब वो स्कैटर होगी तो उसका शैडो बनेगा अर्थ के ऊपर, विच विल कॉज एन इक्लिप्स। If you don't understand this, review this part to understand करें कि ये eclipse के मामले में हो क्या रहा है। सूरज के दरमियान और जिस भी planet पे उसकी light जा रही है उसके दरमियान कोई object आ जाता है और उसकी light को pass through नहीं होने देता। Okay, so students, वो 7.3 के unit के लिए इतना ही हम करेंगे, लेकिन अभी हम next board पे चलेंगे और इसकी एक छोटी सी exercise भी करेंगे। In your notebook, आप ही की book का एक page है जिसपे आपको एक छोटे से एक box में दिए हुए उन्हें 2 questions for your notebook, जो कि अब आपके लिए बहुत ही आसान होने चाहिए हल करने के लिए। आए पढ़ते हैं। हाउ इज अ शैडो फॉर्म्ड? अभी हमने इसको लेंथ में डिस्कस किया कि कैसे बनता है एक शैडो। आप क्या करते हो, आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट डालते हो और वो ऑब्जेक्ट अगर ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट होगा तो उसके ऊपर से लाइट पास थ्रू नहीं कर पाएगी और फिर वो अपने बैकग्राउंड में एक शैडो फॉर्म करेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिटरमिन्स द साइज एंड पोजिशन ऑफ अ शैडो? अगेन वी जस्ट डिस्कस्ड कि साइज और पोजिशन जो होती है वो बेस होती है लाइट सोर्स के ऊपर। इस क्वेश्चन में आप बताओगे कि जितनी लाइट सोर्स पास होगी उतना ही बड़ा शैडो होगा, और जितनी लाइट सोर्स दूर होगी उतना ही छोटा शैडो होगा। और यहीं पर आप फिर ये भी बताओगे कि अगर आपकी लाइट सोर्स की जो पोजीशन है वो लेफ्ट पर है तो आपके शैडो की पोजीशन कहाँ पर होगी? राइट पर। एंड सिमिलरली अगर आपकी लाइट सोर्स की पोजीशन राइट पर है तो आपके शैडो की पोजीशन उसके ऑपोजिट साइड पर प्लेस होगी। इन दिस मैनर यू कैन डिस्क्राइब दीज क्वेश्चंस इन डिटेल, एंड आई होप कि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। हम मिलेंगे अब अगले लेसन में इस टॉपिक के फर्दर कंटिन्यूएंस के साथ। सी यू अगेन इंशाल्लाह।